Hey, what's up everyone? I hope you guys are doing absolutely fine. This is me, Shnetra, and welcome back to my channel, everyone. So, most awaited update finally aa chuka hai. Godzilla ka update aa chuka hai. Main blue team mein hoon. Okay. So, aaj main khel rahi hoon team death match mode jo naya hai. Aur as you can see, main blue team mein hoon. Chalo, shuru karte hain. ओके तो गेम लोड हो चुका है और मुझे M4 तो बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे AK चाहिए. AK कहाँ होगा? सच बता रही हूँ, ये मैं पहली बार खेल रही हूँ, मतलब PUBG में. वैसे ये जो थीम जो है वो एक्चुअली कॉपी है तुम्हारे CSGO या फिर एंड्रॉयड वर्जन में जो है स्टैंड अप टू क्रिटिकल ऑप्स, इन सब से कॉपी किया हुआ है. बेसिकली दो टीम होता है और जो टीम का सबसे ज़्यादा किल होगा वो जीत जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम में. तो ओके, मेरा खाता खुल गया और मैं मर भी गई. गुड. इसमें मरने के बाद भी आप रिस्पॉन होते रहोगे, सो कोई टेंशन नहीं है. बस बिंदास खेलो. यहाँ पे कैंप तो बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे घुस घुस के मारना है. चाहे उनका जो कैंप है, मतलब कैंप मतलब जहाँ पे वो लोग स्पॉन हो रहे हैं वहाँ पे जाकर भी मार सकते हो, लाइक दिस. और वहाँ जाके आप खुद भी मर सकते हो. लो, मैं मर गई. एंड आई जस्ट रियलाइज मैं अब तक M4 चला रही थी. वाओ, मुझे AK चलाना था. AK का ऑब्वियसली डैमेज ज़्यादा होता है, इसलिए मुझे AK पसंद है M4 से ज़्यादा. और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि आप बिना ADS किए हुए अगर मारोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से मार पाओगे, वरना बहुत फास्ट होता है और ADS करने पर आप ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हो. वैसे देखा जाए तो हमारी टीम जीत रही है, सो इट्स ओके, हम जीत रहे हैं. तो मेरे 4 ही किल हुए हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं. अरे ये कितना सारा गोली खाया मैंने AK का, फिर भी नहीं मरा. मर जा क्या यार. देखो, वो इतना सारा गोली खा के नहीं मरा और मैं 2 गोली में मर गई. ओके, मेरे 350 के ऊपर पिंग आ रहे, तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं. देखो, पिंग ऊपर नीचे होते रहते हैं मेरे. चलो, बदला ले लिया मैंने. इसने मारा था क्या, मुझे याद भी नहीं है. कोशिश करना कि हेड पे एम करने की, उससे ज़्यादा जल्दी मर जाता है ऑब्वियसली. घुस के मारने का ना मज़ा ही अलग है. मुझे ये वाला मोड बहुत पसंद आया सच्ची में, ऐसा कुछ चाहिए था पबजी में. यहाँ पे आप अपना एम प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना रिकॉइल हैंडल करना प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप मर भी सकते हो, मतलब मरने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो. और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो कि ये TPP और FPP दोनों में अवेलेबल है. नॉर्मली आर्केड मैचेस कोई भी FPP में अवेलेबल नहीं था, तो फाइनली ये आ गया है. तो जो लोग FPP लवर्स है वो लोग वहाँ पर भी खेल सकते हैं. हाँ, मैं एक्चुअली ट्राई करने वाली हूँ इसके बाद नेक्स्ट वाला मैच मैं FPP खेलूँगी, तो अच्छा लगेगा, देखते हैं वो कैसा होता है. ओके, चलो, मैं बहुत बार मर रही हूँ, अभी थोड़ा सीरियस होके खेलते हैं और इसको जीतने की कोशिश करते हैं. चलो. हाँ, तुम सब आधा आधा गोली खा के भाग जाओ, मेरे हाथों से मत मरो, स्टूपिड लोग. मर, सब मुझे ही मार के जाते यार. ओके, बस और 2 किल करने हैं फिर हमारी टीम जीत जाएगी. और मैं यहाँ पे मरे जा रही हूँ. ओ मेरे भाई, चुप रहो ना यार. ये मेरा टीम मेंबर पता नहीं कौन से भाषा में बात कर रहा है, कब से मतलब परेशान करके रखा है. ओके, हाँ, सब मिलके एक ही जन को मारते हैं और तो कुछ काम धाम नहीं है. ओह ओके, फाइनली जीत गए, ये जीत गए. MVP हमारी टीम का हाईएस्ट किलर होगा. गुड. एक मिनट, उसका भी 11, मेरा भी 11, तो मेरा क्यों नहीं आया? चीटिंग था बे. चलो, अब FPP ट्राई करते हैं.
हम फिर से एके लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली एके का डैमेज मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। देखा जाए तो एफएपी ज़्यादा टफ होता है ऑलवेज, और एफएपी का अलग ही मज़ा होता है। मुझे एफएपी पसंद है। और इसी के साथ हम मर भी गए। मैंने सोचा मैं पहला किल करूँगी पर नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, इस बार सीरियसली खेलना है, अच्छे से खेलना है। और मैं मर भी रही हूँ, मेरे पास क्या बोलूँ, मैं कुछ बोलने के लिए भी नहीं है। अच्छे से खेलने के चक्कर में मैं बार बार मर रही हूँ। ऑब्वियसली ये भी ज़्यादा खेलना नहीं होता है तो आदत नहीं है। यार कोई तो मुझे एक किल करने दो। देखो देखो इसका, देखो देखो ये फ़ायदा होता है एफपीपी का, आप उसके सामने रिलोड करो, उसके पीछे खड़े होकर से उसको समझ में भी नहीं आता है। इस मोड का एक फ़ायदा है कि आपका हील होता रहता है थोड़ी देर बाद बाद अपने आप, जो अच्छा है, ऑब्वियसली अच्छा है। चलो बाहर चलते हैं, मेरे सिर्फ 3 ही किलो हैं और रेड टीम जीत रही है, हमारी टीम हार रही है, मुझे जीतना है। क्या बच्ची मैं, ओके मर भी गई। अच्छे से खेलना है, अच्छे से खेलना है, चलो मारो इसको। ये लोकी मर गया, थॉर को छोड़ के लोकी आ चुका था हमारे पास और मर भी गया। गुड, क्या हो रहा है, मर रही हूँ कुछ भी हो रहा है पर मज़ा आ रहा है, सच बता रही हूँ मज़ा आ रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था इस अपडेट से, लाइक कोई गॉडज़िला वर्जिला आएगा उनको मारना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस हम लोग को लाल और नीला सा कुछ रम करके बोल दिया, दो टीम से हो अब मारो एक दूसरे को, पर ठीक है, इट्स ओके, मुझे अच्छा लगा, कुछ अलग पर अच्छा लगा। कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा मुझे, कहाँ गए सब, वो रहा मेरे पीछे कौन है, ये लोकी बार बार आके मेरे ही हाथों से मर रहा है, मेरे ही सामने आ रहा है, मेरे ही हाथों से मर रहा है। जल्दी ही लो जा, गुड। अब फिर से कौन आ गया, ये तो लोकी का कपड़ा है, ए जा। हाँ इसने मुझे मार दिया, अब मैं थोर से कंप्लेन करूंगी, इसको कभी एसगार्ड में घुसने ना दिया जाए। किधर है लोकी, तुझे मुझे फिर से मारना है, मतलब मुझे तुझे मारना है, सॉरी कुछ नहीं कहना मुझे। ए पापे कितने सारे लोग, चलो एक गया। गंदा बच्चा। हाँ लोकी फिर से मिल गया, लोकी 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 लोकी, मार दिया मैंने लोकी को, मजा आ गया, मुझे लोकी बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, और हमारी टीम हार क्यों रही है, चलो जल्दी उनके, वो सिर्फ 4 के, ओके मैं खुद जाके किल दे रही हूँ इनको गधों की तरह। ओके उनको सिर्फ और 2 ही किल चाहिए, मुझे नहीं लगता जीत पाएंगे। ओके एक को तो मारा मैंने, गुड। ओके वो लोग जीत गए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।